The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education aur hum baat karenge aaj कैंसर और उसके साइंस एंड सिम्टम्स. आपको कैसे पता चलेगा, कैसे शक होगा कि आपको कैंसर है? तो इसके कई सारे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझने होंगे, क्योंकि कैंसर जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए, किसी भी शरीर के हिस्से में कैंसर हो सकता है. कहने का मतलब, कोई भी शरीर का हिस्सा अगर दुगुना तिगुने तेज़ी में मल्टीप्लाई होने लग जाए, कोई भी सेल्स, तो वो कैंसर बन सकते हैं. एक ट्यूमर और कैंसर में फ़र्क होता है. ट्यूमर एक गांठ को बोलते हैं जो कैंसरस हो सकती है, नॉन कैंसरस हो सकती है. कैंसर का मतलब है मैलिग्नेंट ट्यूमर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह फैल जाए. ऐसे सेल्स अगर आपके केवल स्किन के भी सेल्स क्यों ना हो, अगर आपके स्किन के सेल्स एक स्किन में बड़े होते जाएँ और वहाँ से टूट के लंग्स में चले जाएँ, आपके हार्ट में चले जाएँ, आपके जिगर में चले जाए और वहाँ पे आपकी स्किन बनने लग जाए, वहाँ के स्किन के सेल ज़्यादा होने लग जाए, तो लंग, हार्ट, जिगर काम करने बंद कर देंगे. इस तरह से कैंसर जो है अपने सिम्टम्स पैदा करने लग जाता है जहाँ जहाँ जाता है, जहाँ जहाँ का होता है. सो कैंसर के ऊपर इस तरह से साइंस एंड सिम्टम्स बताए जा सकते हैं. तो कैंसर के बहुत सारे सिम्टम्स हैं. मोस्ट ऑफन याद रखिए, कैंसर के सिम्टम कैंसर के वजह से नहीं आते. ऑलराइट, समझ रहे हैं? कैंसर के सिम्टम कैंसर के वजह से नहीं आते. मोस्ट ऑफन इस कॉज बिकॉज ऑफ एन इलनेस, इंजरी, बिनाइन ट्यूमर या अदर प्रॉब्लम्स के वजह से ऐसे सिम्टम्स जो हैं और भी चीज़ों से आ सकते हैं. कहने का मतलब ये, कैंसर के सिम्टम्स, क्योंकि कैंसर तो बड़ा हो रहा है, वो कैंसर कोई सिम्टम नहीं प्रोड्यूस करेगा जब तक वो कोई ऑर्गन को डैमेज नहीं करेगा. सो नंबर एक, जो सिम्टम्स कैंसर के वजह से आ रहे हैं वो कैंसर के वजह से नहीं, कैंसर के वजह से जो डैमेज होने लगा ऑर्गन उसकी वजह से आ रहे हैं. नंबर दो, ये सारे सिम्टम्स कई सारी दूसरी बीमारियों में भी आ सकते हैं, इन्फेक्शन में, चोट लगने में, इंजरी में, कभी कभी बिनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट कैंसर ना भी हो, यानी कि ट्यूमर हो, उसमें भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं. और कई सारी ऐसी बीमारी है जिसमें सिम्टम्स आ सकते हैं. अल्टीमेटली ये डायग्नोस करेगा कौन कि आपको कैंसर है या एक बिनाइन कंडीशन है, ये डायग्नोस करेंगे आपके डॉक्टर. सो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है. याद रखिए, कैंसर से दर्द नहीं होता. ज़्यादातर केसेस में कैंसर्स डू नॉट कॉज पेन. मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कैंसर कब ग्रो होके भाई साहब लास्ट स्टेज तक पहुंच गया. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, हर तरीके का कैंसर अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा. फॉर एग्जांपल, कुछ हम एग्जांपल लेके बात करते हैं. फीमेल्स में जो वेरी कॉमन कैंसर है उनका ब्रेस्ट कैंसर. तो ब्रेस्ट में अगर कैंसर होगा तो वहां पर कोई लंप, कोई गांठ फील हो सकती है. गांठ फील होगी आपके चमड़ी के नीचे. चमड़ी में स्किन टैग होना एक अलग चीज़ है. हमें पता है स्किन टैग है ये, तो यार ये क्या है, ये तो मोल है, ये तो स्किन टैग है. स्किन पे भी कैंसर होता है, बताएंगे. ब्रेस्ट पे जो लंप होता है वो स्किन के अंदर, ऐसा लगेगा ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर कोई गांठ है, लंप है. सेकंड साइन सिम्टम जो ब्रेस्ट कैंसर में आता है वो है निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल चेंजेस, निप्पल का कलर चेंज हो रहा, निप्पल पकरिंग हो रहा, निप्पल अंदर जा रहा, ऐसे कोई साइन सिम्टम डेवलप हो रहे हैं तो रिस्क, यानी कि वो शक की निगाहों पर जाता है, जांच करनी पड़ेगी. राइट, फिर आता है स्किन चेंजेस. स्किन मतलब अगर ब्रेस्ट के ऊपर स्किन के, जो ब्रेस्ट के ऊपर स्किन है वो अगर मान लो डिम्पल्ड हो गए, पकर्ड हो जाए. ऑरेंज का स्किन कैसे होता है, ऑरेंज स्किन, ऑरेंज नारंगी का स्किन कैसे, वैसा स्किन दिखने लगे, इची, रेड, तो फिर दैट आर दोज आर चेंजेस जिससे हमें लिखना चाहिए कि भैया ये ब्लैडर के अंदर कुछ तो चल रहा है और इसकी जाँच जरूरी है, इसका मैमोग्राफी कराओ या अल्ट्रासाउंड कराओ, कुछ तो कराओ. दैट इज देयर. तो ये हुई एक एक डायरेक्शनल बात कि इस तरीके का कैंसर कैसे होता है, किसका, ब्रेस्ट. अब अगर यही चीज हमारे दूसरी चीज के बारे में बात करें, मान लो आपको बावल का, पेट का, इंटेस्टाइन, अथड़ियों का कैंसर है. अथड़ियों का कैंसर में कोई खास साइन नहीं मिलेंगे हमको. क्या मिलेगा, अथड़ियों के ऊपर ग्रो करने लग गया, अथड़ियों को दबाने लग गया, तो कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, अगर वहां से कैंसर से कभी लूज मोशन हो जाएगा, या आपके जो नॉर्मल बॉवल हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो बहुत सी कंडीशन में होती. तो पता कैसे करेंगे, नहीं पता चलता. लेकिन अगर आपके लैटरिन में खून आ रहा है तो वो एक साइन हो सकता है कैंसर. ये बवासीर का भी साइन हो सकता है,
अल्सर का भी साइन हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी साइन हो सकता है। तो यहाँ डायग्नोस करेगा कौन? यहाँ डायग्नोस करेगा डॉक्टर कि आपके जो साइन सिम्टम किससे मेल खा रहे हैं, कैंसर से, बवासीर से, एक्सेट्रा 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 किससे। सो बाउल में क्या होगा, इस तरह के चेंजेस आएंगे। ब्लैडर में क्या होगा, बाउल मतलब पेट अथड़ियाँ, ब्लैडर में क्या होगा, पेशाब का ब्लैडर, उसमें पेशाब में ट्रबल होगा, यूरिनेशन में पेन हो सकता है, यूरिनेशन में ब्लड आ सकता है यूरिन में। सो यूरिन में प्रॉब्लम आई नहीं रही या अजीब से आ रही है या दर्द होने लग रहा है, अब यही पेन ब्लड आ रहा है, यही चीज़ किससे हो सकती है, किडनी की पथरी में, यही चीज़ किससे हो सकती है, यूरिन के इन्फेक्शन में। सो काफ़ी सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं कैंसर का और दूसरी चीज़ से, लेकिन ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। सो अल्टीमेटली क्या होता है, सिंपल जांचें करके देखी जाती हैं, दवाई ट्राई करके देखी जाती है, दवा दूसरी बीमारी होगी तो ठीक हो जाएगी, कैंसर होगा तो ठीक नहीं होने वाला, वो आएगा ही आएगा, वापस आएगा, बार बार आ रही है तो फिर डीपर इन्वेस्टिगेशन, सिस्टोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये सब करके देखना होगा अथड़ियों में, ब्लैडर में क्या हो रहा है। कैंसर का एक और साइन है ब्लीडिंग एंड ब्रूजिंग, कहीं से भी कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, खून निकल रहा है, ये भी एक साइन सिम्टम है कैंसर का। और अगर फेफड़ों में दिक्कत हो तो खांसी भी हो सकती है, खांसी जो जा ही नहीं रही, या गले में खराश जो जा ही नहीं रही, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। सब करके देख लिया, जांचें करके देख ली, फिर ब्रोंकोस्कोपी करके देखना होता है, सीटी स्कैन करके देखना, गांठ तो नहीं है कोई, कैंसर तो नहीं, ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ सकती है। फिर कैंसर में आपको ईटिंग प्रॉब्लम आ सकता है, गले में यानी फूड पाइप में अगर कैंसर हो, ईसोफेजियल कैंसर, वेरी कॉमन और डेंजरस, उसमें क्या होगा, खाना खाने के बाद मान लो पेट दुखने लग जाए, हार्ट बर्न, इनडाइजेशन, निगलने में प्रॉब्लम, सॉलिड फूड निगलने में प्रॉब्लम, लिक्विड फूड निगलने में प्रॉब्लम, बेली में पेन, नौजिया, वॉमिटिंग है, एपेटाइट चेंजेस, कभी भूख नहीं लग रही, अजीबोगरीब चेंज हो गया, फटीक, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है, खाना जा ही नहीं रहा, पचीने खाने का मन नहीं कर रहा, सो फटीक, सिवियर फटीक, बहुत लंबे समय से कमजोरी है। तो ये सारे जो होते हैं ये कैंसर में भी हो सकते हैं, और भी बीमारी हो सकती है, पेट में छाले हो सकते हैं, B12 की कमी हो सकती है, कोई भी और एच पायलोरी का इन्फेक्शन हो सकता है, GERD हो सकता है। सो ये कौन बताएगा, डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है जो इस चीज़ को डायग्नोस करें कि ये कैंसर लग रहा है या क्या लग रहा है। इसीलिए इनमें से सारे सिम्टम्स गूगल पर डालने के बाद एक वर्ड आ जाता है, कैंसर भी हो सकता है, फिर आप डर जाते हो, कैंसर भी हो सकता है, सर कैंसर तो नहीं है, अटैक तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है, डरने का कोई बात नहीं है इसमें, ये डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर डायग्नोस करेगा। फिर माउथ में चेंजेस आ सकते हैं, वाइट एंड रेड पैचेस ऑन द टंग, ब्लीडिंग पेन, नमनेस लिप्स में, गम्स में, माउथ में, ये हो सकते हैं कैंसर में। ये अलग अलग कैंसर है, यानी कि एक ही कैंसर पूरी दुनिया की सिम्टम कर रहा है, नहीं, अलग अलग कैंसर अलग अलग सिम्टम कर रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल कैंसर हो, दिमाग में कैंसर हो तो हेडेक हो सकता है, दौरे पड़ सकते हैं, विजन चेंजेस आ सकते हैं, आँखों में चेंजेस आ सकते हैं, सुनने में चेंजेस आ सकते हैं, मुंह ड्रॉप हो सकता है, यहाँ से इधर ड्रॉपिंग ऑफ फेस, एक तरफ लकवा पड़ सकता है। सो कैंसर कैन कॉज दीज थिंग्स, उसमें फिर सीटी MRI करके देखना होगा ब्रेन में क्या है। स्किन में कैंसर आ जाए, स्किन में अगर मान लो कोई लंप है, गांठ है, वो एकदम से बड़ा हो जाए, उसका कलर चेंज हो रहा है, अलग अलग कलर के हो रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है, वो मेलानोमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कोई नया मोल आ गया, राइट, कोई ऐसा चोट लग गई जो हील ही नहीं हो रही, दैट कैन ऑल्सो बी अ साइन कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉडी में। येलो कलर आ रही है स्किन में, बहुत ज़्यादा जॉन्डिस हो रहा है, यो आई ठीक ही नहीं हो रहा, ठीक ही नहीं हो रहा, इट कैन बी अ साइन ऑफ कैंसर, मगर ये येलोनेस जॉन्डिस में भी हो सकता है, लिवर की बीमारी में भी हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन में भी हो सकता है। सो इसीलिए डायग्नोस करना जरूरी है कि कैंसर है कि वो है कि ये है। फिर कहीं भी आपके शरीर में गांठ हो, लंप हो, लाइपोमा हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, हाथ के नीचे, एल्बो में हो सकता है, गले में हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिम्फ नोड हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, लिम्फ नोड हो सकता है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लाइपोमा हो सकता है, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस हो सकता है, फाइब्रोमा हो सकता है, गैंग्लियोमा हो सकता है, ये सारे कैंसर नहीं है, सारे सिंपल ट्यूमर्स हैं, ये सारे नॉन कैंसरस है, तो कैंसर होना जरूरी नहीं। सो हर गांठ कैंसर नहीं है, हर चीज़ कैंसर नहीं है। सो कैंसर क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह फैले और जान ले लेगा कुछ ही महीनों सालों में, सो वो कैंसर। सो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स को अगर आपको होता है, प्लस सबसे बड़ा साइन, जी हाँ, सबसे बड़ा साइन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, द गुड फॉर द लास्ट, सबसे बड़ा साइन है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना किसी कारण के वेट लॉस या वेट गेन, दोनों ही 10 किलो 12 किलो वजन गेन, लॉट वेट लॉस हो गया कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही दो हफ्तों में, तीन हफ्तों में, या बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो रहा है बिना किसी रीज़न, तो इट कैन बी अ हार्मोनल कैंसर। और वेट लॉस किसी भी तरीके का कैंसर होता है, फास्ट ग्रोइंग टिश्यू होता है, गड़ 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 एनर्जी चाहिए उसको, सो दैट
कॉजेज वेट लॉस. सो कैन वेट लॉस, ये सारे चेंजेस बेसिक आपके साइन एंड सिम्टम्स से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैंसर लग रहा है. सो दीज आर द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ कैंसर. आई होप यू गॉट द पॉइंट. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा. और इसी में किसी भी प्रकार के आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा. फीवर इज़ ऑल्सो अ साइन ऑफ कैंसर. कुछ प्रकार के कैंसर्स हैं जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, वो फीवर कर सकते हैं. ब्लड कैंसर फीवर कर सकता है. पेन करते हैं, ज़्यादातर कैंसर पेन नहीं करते. बोन कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर पेन कर सकते हैं. कुछ प्रकार के कैंसर बोन में पेन, बोन कैंसर कर सकती है. सो देर आर सम अनयूजुअल थिंग्स, बट देन मोस्ट कॉमन चीज़ें यही हैं. सो अगर आपको कोई भी अनयूजुअल चीज़ लग रही है, बेस्ट काम है डॉक्टर को जाके दिखाओ और उल्टे सीधे नुस्खे मत ट्राई करो. सो दैट्स ऑल. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा. और नेक्स्ट आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिखिए और हम ट्राई करेंगे उस टॉपिक को कवर करने की. थैंक यू सो मच. दिस इज डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.